प्रेरित पौलुस की तिमोथियस के नाम पहली पत्री अध्याय एक वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस लिख रहा है कि यह बात सच है और हर प्रकार के विश्वास करने के लिए योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। ये सत्य वचन है, ये सत्य बात है जिस पर कोई भी मनुष्य पूरा भरोसा कर सकता है, पूरा विश्वास कर सकता है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जब वो पापियों की बात करता है तब पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया के पापियों के मुक्ति के लिए आया, उद्धार के लिए आया, और उन सारे पापियों से बड़ा पापी मैं हूँ, ऐसा वो अपने आप के बारे में बता रहा है। और आगे ये लिख रहा है कि मुझ पर इसलिए दया हुई, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया मुझ पर इसलिए हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई। मैं तो एक बड़ा पापी हूँ, तो मुझे ग्रहण करना या मेरा स्वीकार करना परमेश्वर के लिए कितनी कठिन बात है, पर उसने मुझे स्वीकार किया, मुझे ग्रहण किया, ताकि मुझ में वो अपनी सारी सहनशीलता दिखाए, सारी दया, सारी तरस दिखाए, कि जो लोग अनंत जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करेंगे उन सबों के लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया, एक ही मकसद के लिए, जो मकसद इस वचन में लिखा गया है, पापियों का उद्धार करने के लिए। वो अनादि अंत परमेश्वर है, वो स्वर्ग में था, आज भी वो स्वर्ग में है, पर ऐसा समय था जब वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया था, इंसान बना था, और स्वर्ग छोड़ने का, इंसान बनने का और धरती पर आने का उसका मकसद एक ही था, पापियों का उद्धार करने के लिए। उद्धार यानी पापों की क्षमा, उद्धार यानी शैतान के बंधन से मुक्त हो जाना, उद्धार यानी पापों से पूरी तरह से छुटकारा पाना, और उद्धार का मतलब, सही मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों की क्षमा हुए बिना किसी का परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। परमेश्वर पवित्र है, हम अपने अपवित्रता और अशुद्धता को लेकर उसके सामने खड़े होकर उससे बात नहीं कर सकते हैं, उससे मेल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दुनिया का हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों के सामने अपने आप को एक अच्छा, सभ्य, सज्जन, साफ सुथरा व्यक्ति पेश करना चाहता है। इसलिए हर कोई अपने ज़िंदगी के गलत बातों को छिपा के रखना चाहता है। कोई इस बात को पसंद नहीं करता है कि मेरे बुरे काम लोगों के सामने आ जाए, मेरे गंदे काम, मेरे गलत काम लोगों के सामने आ जाए, कोई नहीं चाहता है। बताइए क्यों नहीं? क्योंकि हम ये जानते हैं, यदि मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार या मेरा भाई या मेरी माँ, मेरे पिताजी, कोई भी हो, मेरे गलत कामों को यदि जानेंगे तो मेरे से दूर हो जाएंगे, मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। ये हर मनुष्य की बात है। दुनिया का हर मनुष्य अपने ज़िंदगी के एक बुरे हिस्से को हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। हम जो लोगों के सामने पेश करते हैं वो क्या रहता है? एक अच्छा खासा कपड़ा, और औरतें रहेंगी तो मेकअप। आजकल तो जेंट्स लोग भी मेकअप करने लगे हैं, इनका भी एक पार्लर निकल गया है, तो ये भी अभी अपने आप को सजा रहे हैं, जैसे कि औरतें सजाती थी आज तक। तो अभी शैतान ने इनको भी सिखाया है कि आपको भी अपने आप को कैसे सजाना है। हम दुनिया के सामने क्या दिखाते हैं? देखो हम कितने खूबसूरत दिखते हैं, देखो हम कितने अच्छे दिखते हैं, देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं, देखो हमारे पास कितना पैसा है, देखो हमारे पास कितनी भारी गाड़ी है, हमारा मकान देखो, गाड़ी देखो, नौकरी देखो, हमारी सुंदरता देखो। छिपाते क्या है? जिंदगी की गंदी बातें, और सही शब्द पाप। जिंदगी के पापों को हम छिपा के रखते हैं। कोई नहीं बोलता है देखो मेरे जीवन में कितना ही बुरा काम है, कोई नहीं बोलता। हर कोई अपने आप को बाहर से सुंदर बनाता है या बाहर से सब कुछ इस तरीके से पेश करता है कि मैं कोई भारी व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यदि सामने वाली व्यक्ति हमारे जिंदगी के जो गलत हिस्सा है उसे जान जाएगी तो हमसे दूर हो जाएगी। आप बताइए, हम एक पापी इंसान के सामने अपने आप को ऐसे पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि हम, इसका डर है कि हम अपने ज़िंदगी के गलत हिस्से को लोगों के सामने लाएंगे, हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा और लोग हमारे ऊपर देखना, अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। एक पापी मनुष्यों के लिए हम इस तरीके से सोचते हैं तो बताइए परमेश्वर के सामने हम कैसे आ सकते हैं, उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? परमेश्वर तो ऐसा है कि आप उसके सामने कितने भी अच्छे रूप में पेश होने की कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं देखता है। वो आपका मेकअप नहीं देखता है, कपड़ा नहीं देखता है, गाड़ी नहीं देखता है, वो आपके दिल को परखता है। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं, चाहे एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं, वो हमारे अंदर की गंदगी को देखता है। और इसीलिए दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो सकता है और ना ही परमेश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। आत्मिक रूप में परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसका परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर में लोग चिल्लाते हैं, क्या मिलता है प्रार्थना करने से? हमने बहुत प्रार्थना किया पर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। जो लोग यीशु के पास आते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा मांगा और परमेश्वर ने हमको तुरंत दे दिया। सुबह प्रार्थना किया, शाम तक जवाब मिल गया। एक तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, हम सालों साल मांग रहे हैं, कहाँ है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग बैठे, वो बोलते हैं हम यूँ मांगते हैं परमेश्वर यूँ देते जाता है, हम मांगते हैं वो सुनता है, हम मांगते हैं वो सुनता है। आप जानते क्या फ़र्क है? जो बोल रहे हैं कि हम सालों साल से मांग रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, वो कहाँ बैठा है? परमेश्वर के घर से बहुत 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 दूर। आज हम यहाँ नायगांव में बैठे हैं, बताओ यदि कोई हाईवे पे खड़ा है और चिल्ला रहा है तो क्या हमें सुनाई देगा? जो परमेश्वर के घर से बहुत दूर है और चिल्ला रहे हैं, उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है।
जिन्होंने परमेश्वर के घर के अंदर कदम रखा है, अंदर प्रवेश किया है, आराम से परमेश्वर के घर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वो क्या बोलने की बात छोड़ दो, उनके मन में बस इच्छा आती है, परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस बात का यदि बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, बहुत ज़्यादा, मैं एक दो बार नहीं बताऊंगी, यदि बहुत ज़्यादा अनुभव किया है कि बस आपके मन में इच्छा आ गई और परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा किया बिना मांगे, यानी आपने प्रार्थना नहीं किया, ना घुटना टेका, ना आंसू बहाया, ना परमेश्वर को अपनी इच्छा को बताया, कुछ नहीं, बस अपने मन में यूं ही इच्छा आ गई और परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा किया, ऐसा यदि आपके साथ बार बार होते जा रहा है तो जान लेना आप परमेश्वर के घर के आंगन में भी नहीं, उनके उसके घर के हॉल में भी नहीं, परमेश्वर के बेडरूम में पहुँचे हैं, उसके बहुत 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 नज़दीक गए हैं, आप परमेश्वर के दिल के बहुत करीब जा रहे हैं और इसलिए परमेश्वर आपके दिल को हर घड़ी देख रहा है। और कौन जाता है? जो परमेश्वर का लाडला होता है। हालेलुया। और बताइए हम परमेश्वर के लाडले कैसे हो सकते हैं? हम दिन रात आपको सिखाते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, परमेश्वर के वचन को मानने से। पौलुस ने एक जगह पर साफ लिखा है, खतना होना न होना कुछ नहीं है, एक ही बात सच है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना, यही सब कुछ है। जो परमेश्वर के वचन को मानता है और जितने अधिकाई से मानता है वो परमेश्वर के बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब आते जाता है। और इसलिए ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हमारे दिल में बस ऐसी इच्छा आई, परमेश्वर ने हमारी इच्छा को पूरा किया। दूसरी तरफ चिल्लाने वाले लोग हैं, कहाँ है परमेश्वर, हमने इतनी प्रार्थना किया, हमें कोई जवाब नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पाप है, अधर्म है, हमारे गुनाह है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। परमेश्वर और हम दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है और इसीलिए हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ बातें नहीं कर सकते हैं, उसके पास मांग नहीं सकते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। ये पाप है जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। और कोई चीज़ नहीं है, और कोई बात नहीं है, एकमात्र बात है जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, वो है पाप। और पाप का सही मतलब है परमेश्वर की आज्ञा के या परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जिंदगी बिताना। हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे धरती पर भेजा है, वो क्या चाहता है, मैं क्या करूं, मैं कैसा जीऊँ, किस रीति से जीऊँ, ये हम नहीं देखते हैं, बल्कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, वही करते जाते हैं, बुरे काम करते हैं, परमेश्वर के दिल को दुख देते हैं और पाप की वजह से परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है और हम उससे दूर 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 चले जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, कोई हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बच्चा जो अपने घर में है और रो रहा है, रोते हुए बेटे को जाकर माँ तुरंत उठाती है और गोद में लेती है, जो घर में है ना उसी को उठाती है। ऐसा बच्चा जो कहीं गुम हो गया है और सड़क के किनारे पे बैठ के रो रहा है, क्या माँ जाकर उसे खोज लेती है और उसे गोद में ले सकती है? ऐसा बेटा जो घर में है और रो रहा है, माँ जाकर तुरंत उसको उठाती है और गोद में लेती है। पर जो गुम हो गया है, माँ ज़रूर चाहती है उसको उठाना, पर वो तो गुम हो गया है। पूरी मानवता इसी रीति से परमेश्वर के घर से गुम हो गई है, यहाँ वहाँ भटक रही है। पाप जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, हमारी खुद की इच्छा, हमारी शरीर की अभिलाषाएं, वासनाएं, जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है,
पौलुस इस वचन में बता रहा है कि यह बात सत्य है, विश्वास करने के लायक है, योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। हम जो खो गए हैं, हमें ढूंढने के लिए और हमें परमेश्वर के घर में वापस लाने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल करने के लिए मसीह यीशु स्वर्ग से धरती पर आ गया। ये सत्य बात है। और आगे वो बता रहा है, इन पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। पौलुस यह बात इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि हम जानते हैं पौलुस पहले एक मसीह विरोधक आदमी था। ये तो एक नियम शास्त्र यानी व्यवस्था के अनुसार चलने वाला मनुष्य था, फरीसी था, और वो अपने धर्म के बारे में बड़ा आवेशी था यानी जोश से भरा हुआ था। उसे यीशु पर किया हुआ विश्वास ज़रा भी मंजूर नहीं था। यीशु के चेले और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, उनके बारे में उसके अंदर बड़ी नफरत थी और वो चाहता था कि इन सबों का कत्ल किया जाए, सबों को मार दिया जाए। यीशु के जितने चेले हैं और जितने उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सबों को मार डाला जाए, ये पौलुस की इच्छा थी। और इसी इच्छा को लेकर और इसी नफरत को लेकर वो कितने समय तक काम करते रहा, विश्वासियों को सताते रहा, उनके पीछे लगा रहा, उनको मारते रहा, सताते रहा, बहुत छल करते रहा। और इसी समय उसके साथ एक घटना हो गई। वो एक जगह पे जा रहा था इसी काम का अंजाम देने के लिए। वो यीशु के लोगों को छलने के लिए, सताने के लिए और उनको पकड़ कर लेके आने के लिए जा रहा था, अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। जब वो आधे रास्ते में था तब उसके साथ ऐसा हो गया कि आसमान से एक बड़ी ज्योति उसके ऊपर आ गिरी। पौलुस घोड़े पर से जा रहा था, आसमान से बड़ी ज्योति आ गई और इस ज्योति जब उसके ऊपर आ गिरी, पौलुस घोड़े पर से नीचे गिरा और उस ज्योति में से एक आवाज़ उसने सुनी, जिस आवाज़ ने उसे कहा, पौलुस का पहला नाम सऊल था, सऊल सऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। उसने सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है। तब उस रोशनी में से आवाज़ आ गया, जिस यीशु का तू छल कर रहा है वही मैं हूँ। और उस दिन के बाद पौलुस का दिल बदल गया। जब उसने रोशनी देखी वो गिर गया, उसने वो आवाज़ सुना जिस आवाज़ ने उसे कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है। और उसका जब सवाल था कि कौन है तू, हे प्रभु तू कौन है, मैं किसे सता रहा हूँ, और जवाब आ गया कि वो यीशु था। पौलुस ने जान लिया, आज तक मैंने जो किया बुरा काम किया। जब वो उठा रोशनी तो निकल गई पर उसकी आंखें अंधी रह गई। कुछ समय तक, 3 दिन तक वो अंधा रह गया। बाद में परमेश्वर ने अपना एक व्यक्ति उसके पास भेजा जिसने पौलुस की आंखों के ऊपर हाथ रखा, और जब उस व्यक्ति ने पौलुस की आंखों के ऊपर हाथ रखा तब उसका अंधापन निकल गया, उसको दिखाई देने लगा। और उसी दिन से लेकर उसने यीशु के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जो पहला मसीह विरोधक था यानी यीशु के लोगों को मारता था, छलता था, पकड़कर जेल में डाल देता था, यह व्यक्ति इस एक घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया और उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि मैंने जो भी किया बुरा काम किया, यीशु मसीह सचमुच उद्धार करता है, सचमुच मुक्ति दाता है। ये कोई फंसाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये कोई फंसाने वाला सुसमाचार नहीं है। और उस पौलुस ने इस सच्चाई को ग्रहण किया, विश्वास किया, और उस दिन से लेकर वो खुद यीशु के नाम का प्रचार करने लगा। पौलुस यीशु के लिए इतना पागल हो गया था कि उसकी पत्री से हम जानते हैं उसने बाद में जाकर शादी भी नहीं किया। वो बिना शादीशुदा रहकर वो जिंदगी भर यीशु का काम करते रहा, यहाँ वहाँ एक गांव दूसरे गांव, एक नगर दूसरे नगर जाकर यीशु का प्रचार करते गया, कलीसिया बनाते गया, लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए उनकी मदद करते गया। जिंदगी भर उसने वही काम किया। पर वो अपनी इस पत्री में लिखता है
उन सब में, यानी दुनिया के पापियों में से मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। यही बात उसने और एक जगह पर लिखी है, क्योंकि उसके दिल में ये बड़ा दुख था, मैंने परमेश्वर के कलीसिया का छल किया था, मैंने परमेश्वर के लोगों को सताया था, मैंने परमेश्वर के लोगों को मारपीट किया था, और इसीलिए इस बात का दुख उसके मन में हमेशा रहा। और वो बोलता है कि इन सब पापियों से मैं बड़ा पापी हूँ। आगे वो कहता है, मुझ जैसे बड़े पापी पर इसलिए दया हो गई, मैं इतना बुरा आदमी था कि परमेश्वर के लोगों को मारता था, सताता था, उनके पीछे लगा रहता था, इतना मैं बुरा था, तो भी मुझ पर अनुग्रह हुआ, दया हुई। वजह यह है, पौलुस वजह बता रहा है कि मुझ बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई। परमेश्वर के पास कितनी सहन करने की ताकत है, परमेश्वर हमारा कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना सहन कर सकता है, ये दिखाने के लिए मुझ जैसे बड़े पापी पर उसने दया किया। मैंने उसके लोगों को सताया, छल किया, मारा, उनको जेल में डाला, तो भी उसने मुझे चुना और मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अनंत जीवन का वारिस बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दुनिया के पापियों का कितना सहन कर सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, कब तक कर सकता है? पौलुस कहता है, जितने लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए, उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊँ। वो आदर्श बना कि वो एक बड़ा पापी था, महापापी था, यीशु के लोगों का छल करता था। यीशु ने जब रोशनी में से उसके साथ बात की, तब उसे ये कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है? पौलुस किसे सताता था? मसीही लोगों को। यीशु ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सता रहा है? इसका मतलब यीशु के लोगों का छल, ये यीशु का छल है। यीशु के लोगों को सताना, ये यीशु को सताना है। इसलिए यीशु बोलता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है? पौलुस कहता है, मैं इतना बड़ा पापी था कि मैंने यीशु को सताया, यीशु का छल किया, यीशु को दुख दिया, तो भी मुझ पर दया हो गई, क्योंकि उसकी सहनशीलता कितनी बड़ी है, उसका तरस कितना बड़ा है, उसकी बर्दाश्त करने की ताकत कितनी बड़ी है, ये दुनिया जान जाए, और इसीलिए मुझ पापी पर दया हो गई। यीशु मसीह ने मेरे अंदर अपनी सारी सहनशीलता दिखाई, ताकि जो लोग अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे, उन सबों के लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा पौलुस हमें ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारी सारी बातों को बर्दाश्त करता है, सहन करता है, और दुनिया के हर पापी मनुष्य के बारे में वो अपनी सारी सहनशीलता दिखाता है, ताकि हम पर दया हो जाए, हमें पापों की क्षमा मिल जाए, और हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। कोई मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि मेरा जीवन इतना बुरा है, मैं इतना पापी हूँ कि परमेश्वर मुझ पर कभी दया नहीं करेगा, मैं इतना पापी हूँ कि परमेश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, मेरा जीवन इतना गंदा है कि परमेश्वर मुझे कभी अनंत जीवन में नहीं लेगा, ये कोई ना बोले। किसी को ना ऐसा लगे कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि परमेश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, ब्रदर प्रवचन में ये घटना हमेशा बताते थे कि एक बार एक जवान व्यक्ति, जवान आदमी ब्रदर को मिलने के लिए आ गया, और उन्होंने ब्रदर से कहा, मेरा जीवन इतना पाप से भरा हुआ है, इतना पाप से भरा हुआ है कि जिसकी वजह से मेरे दिल में ज़रा भी शांति नहीं है, और मैं इतना परेशान हूँ कि अभी मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे बस खुदकुशी करने का मन होता है, मैं खुदकुशी करने की सोच रहा हूँ। जब ये भाई ने ब्रदर से ऐसा कहा, ब्रदर ने उसको जवाब दिया,
खुदकुशी के विचार को मत करना, तुम बाइबिल पढ़ना, बाइबिल पढ़ोगे तो दिल में शांति आ जाएगी। ये भाई ने जवाब दिया, मैंने बाइबिल पढ़ा है और बाइबिल पढ़ने से ही मेरे मन में खुदकुशी के विचार आने लगे हैं, क्योंकि बाइबिल पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, और यदि मैं इतना बड़ा पापी हूँ तो परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा, मुझे क्षमा नहीं करेगा। ब्रदर ने उनको कहा, आपने बाइबिल पढ़ा पर आधा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। आपने बाइबिल के द्वारा परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य की बुराई बाइबिल से आपने जान ली, पर आपने परमेश्वर को पूरा नहीं जाना। इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। हम जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े पापी हैं। वो पवित्र परमेश्वर है और हम कितने बड़े पापी हैं, ये हमें बाइबिल से ज़रूर पता चलता है। पर यहीं बाइबिल आगे जाकर हमें ये भी बताती है कि जो परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, वो प्रेम से और करुणा से भी भरा हुआ है, और हर पापी मनुष्य को पापों की क्षमा देने के लिए उसने रास्ता बनाया है, योजना बनाई है, और ये रास्ता उसका पुत्र यीशु मसीह है, जिसके लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को मिटाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मनुष्य ने बाइबिल को पढ़ लिया था और उसने कहा, बाइबिल पढ़कर मुझे परमेश्वर की जानकारी हो गई, और तभी से मेरे मन में खुदकुशी के विचार आने लगे कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि परमेश्वर मुझे पापों की कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। मेरे जीवन में ऐसे कोई पाप है कि परमेश्वर मुझे कभी ग्रहण नहीं करेगा। ये क्या है? ये परमेश्वर की आधी जानकारी है, आधा पहचानना है। परमेश्वर को पूरा पहचानो। वो पवित्र ज़रूर है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ ज़रूर है, पर परमेश्वर की सच्ची पहचान ये है, वो प्रेम से भरा हुआ है और वो हम पर प्रेम करता है, और इसी प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। हमारे पापों के लिए यीशु का बलिदान हुआ है, यीशु का लहू हमारी मुक्ति के लिए बहाया गया है। हर पापी मनुष्य इस क्रूस के पास आ सकता है, कोई भी, चाहे किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो, या अफ्रीका के जंगल में रहने वाला भी क्यों ना हो, कोई भी आ सकता है। ये क्रूस हर पापी के लिए है, ये यीशु का बलिदान हर पापी के लिए है, ये यीशु का लहू दुनिया के हर पापी मनुष्य के लिए है। कोई भी आ सकता है, अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप कर सकता है, और यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोकर शुद्ध बना सकता है। परमेश्वर पवित्र है, पर वो प्रेम से भरा हुआ है, दया और करुणा से भरा हुआ है, और दुनिया के हर पापी मनुष्य को वो पापों की क्षमा देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर पापी मनुष्य को, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका जीवन कितना भी भयानक बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर उसे क्षमा करना चाहता है। और इसीलिए तो पौलुस अपने आप का उदाहरण देता है। वो बोलता है, मैं दुनिया के पापियों के लिए एक आदर्श बन गया हूँ, कि मैं इतना बड़ा पापी था, इतना बुरा काम किया था कि मैंने यीशु के लोगों का छल किया, तो भी यीशु ने मुझ पर दया की। उसने ये नहीं सोचा कि इसने मेरे लोगों का छल किया है, मैं इसको बड़ी बीमारी दे दूँगा, मैं इसको जान से मार डालूँगा, इसको नरक में भेजूँगा। नहीं, परमेश्वर ने दया किया, मुझ बड़े पापी पर दया हो गई, ताकि मैं आदर्श बन जाऊँ। जितने सारे लोग अनंत जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करने जा रहे हैं, सबों के लिए मैं एक आदर्श बनूँ कि मैं कैसा था, कितना बुरा था, तो भी मुझ पर दया हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, बहुत बार वो पापियों के बीच में रहा करता था, और धर्म पंडित
और अपने आप को सभ्य और सज्जन समझने वाले इस बात को लेकर हमेशा कुड़कुड़ाते रहे कि पापियों के साथ क्यों बैठता है, पापियों के साथ क्यों खाना पीना करता है। चुंगी लेने वाले, वेश्याए, इनके बीच में प्रभु रहता था, उनसे प्रेम करता था, उन पर अपनी दया दिखाता था, और अपने आप को धर्मी समझने वाले कुड़कुड़ाते रहते थे कि पापियों के बीच क्यों रहता है, पापियों के साथ क्यों बैठता है, पापियों के साथ क्यों भोजन करता है। प्रभु ने उनको एक बार जवाब दिया था कि वैद्य की ज़रूरत भले चंगे को नहीं होती है, बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले चंगे को वैद्य की ज़रूरत नहीं होती है, बीमारों को होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ जिन्हें लगता है हमारे जीवन में सब अच्छा है, हम पवित्र है, हम धर्मी है, हमारे अंदर कुछ पाप नहीं है। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, जो जानते हैं कि हम पापी हैं और जिन्हें लगता है हमें पापों की क्षमा की ज़रूरत है। मैं उनके लिए आया हूँ, उनका उद्धार करने के लिए, यानी उन्हें परमेश्वर के घर में लेकर जाने के लिए और परमेश्वर के साथ इनका मेल होने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर पापी मनुष्य यीशु के पास आ सकता है, पापों की क्षमा पा सकता है, क्योंकि वचन कहता है यह बात सत्य है और हर प्रकार के विश्वास करने के योग्य है कि मसीहा यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जब दुनिया का पापी मनुष्य यीशु के पास आता है और अपने पापों को मान लेता है, आंसुओं के साथ पश्चाताप करता है, तब स्वर्ग से एक बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है। उसका पुराना जीवन कितना भी गंदे कामों से, बुरे कामों से भरा हुआ होगा, तो भी परमेश्वर उसे साफ कर देता है, उसके सारे पापों को अनंत काल के लिए मिटा देता है। परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। और आप जानते हैं जिस घड़ी हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, उसी घड़ी हमारा उद्धार हो जाता है, यानी हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। हम धरती पर कुछ समय तक या कुछ सालों तक ज़रूर रहते हैं, शारीरिक रूप में हम धरती पर रहते हैं, पर आत्मिक रूप में हम परमेश्वर के घर में तभी प्रवेश करते हैं जिस समय हमारा उद्धार हो जाता है, पापों की क्षमा मिल जाती है, परमेश्वर से मेल हो जाता है। उसी घड़ी आत्मिक रूप से परमेश्वर के घर में हमारा प्रवेश हो जाता है। कुछ समय तक हम परमेश्वर के घर में रहते हैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से धरती पर रहते हैं, और जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी, हम उस महान परमेश्वर की मौजूदगी में खड़े हो जाएंगे और अनंत काल उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को लेकर यीशु मसीह धरती पर आया है, वो और किसी चीज़ के लिए नहीं आया था। कितने सारे लोग यीशु के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, पर वचन कहता है यीशु एक ही मकसद को लेकर आया था, पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों का परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा पाओ, उद्धार प्राप्त करो, क्योंकि हम धरती पर कितने भी साल जिए तो भी एक दिन हमें मरना है। मरने के बाद हमारा प्रवेश अनंत जीवन में होना ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल अभी होना ज़रूरी है। यदि अभी मेल हो जाएगा तो मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि अभी हमने मेल नहीं किया तो मरने के बाद हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। कोई नहीं बोल सकता है मरने के बाद देखूंगा अनंत जीवन में कैसा जाना है। यदि ये बात मरने के बाद करने की है तो यीशु ना आता और ना यीशु समाचार सुनाता और ना स्वर्ग की बातें बताता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो,
पापों की क्षमा पाओ, उद्धार को पाओ और इस उद्धार में बने रहो, ताकि एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।